नया आने वाला काम करना। देश चलाना नहीं आता हो और चलाया जाए तो देश वैसा ही चलता है जैसा इन दिनों चल रहा है। जो काम करना नहीं आता हो फिर भी उसे किया जाए तो नतीजा वही निकलेगा जो निकलना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं तो उस गायक से गाना सुन लें जिसे गाना नहीं आता हो। जिस मिस्त्री को मशीन ठीक करनी नहीं आती फिर भी वह ठीक करने लगे तो मशीन कैसी ठीक होगी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी ठीक की हुई मशीन ठीक करने में उसे भी पसीने आ जाएंगे जिसे ठीक करनी आती हो। मेरी बात आप इसीलिए ठीक से समझ गए क्योंकि मुझे ठीक से समझाना आता है। यदि मुझे ठीक से समझाना नहीं आता और फिर भी मैं समझाने लगता तो नजारा क्या होता ये आप समझते ही हैं। एक व्यक्ति को सच बोलना नहीं आता था। ज्यों ही उसने सच बोल रहा हूं कहकर बोलना शुरू किया सुनने वाले तुरंत समझ गए कि यह जो बोल रहा है वह सच नहीं है। झूठ बोलना ही जानने वाला यदि गीता पर हाथ रखकर भी बोले कि कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूं तो श्रोता न सिर्फ समझ जाते हैं बल्कि उसे हंसकर कह भी देते हैं कि भाई तुम्हें झूठ बोलना खूब आता है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को स्कूटर चलाते देखा है जिसे चलाना नहीं आता हो? यदि नहीं देखा है तो मेरा निवेदन है जरूर देखें क्योंकि बिना देखे आप समझ ही नहीं सकते कि वह व्यक्ति स्कूटर कैसे चलाता है जिसे चलाना नहीं आता हो। मेरी बात अच्छे से समझनी है तो कभी ऐसे व्यक्ति को रोटी बेलते देखो जिसे बेलनी नहीं आती। मुझे मालूम है उस चाय का स्वाद जो ऐसे व्यक्ति ने बनाई थी जो चाय बनाना नहीं जानता था। भारत के वित्त मंत्री के हिसाब किताब रखने के तरीके और परिणाम जानने के लिए भारतीयों को किसी ऐसे कंपनी मालिक से उसका अनुभव जानना चाहिए जिसके कैशियर को हिसाब किताब रखना नहीं आता हो फिर भी वह हिसाब किताब रखता हो। जिन्हें जो काम करना नहीं आए फिर भी वे वह काम करें तो काम कैसा होगा यह जानने के लिए ऐसे कवियों को पढ़ें सुने जिन्हें कविता न लिखनी आती है न सुनानी, बावजूद इसके वे लिख भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। देखा है कभी ऐसे स्त्री पुरुष को जो मेकअप करना नहीं जानता हो लेकिन कर रखा हो? यदि आप मेकअप करना नहीं जानते तो अपना मेकअप खुद करके शीशे में देखें। मेरा दावा है आप देखते से ही समझ जाएंगे कि न जानने वाला काम करने के क्या नतीजे होते। मैं अध्यापक रहा हूं, मैंने ऐसे परीक्षार्थियों की असंख्य उत्तर पुस्तिकाएं जांची हैं जिन्हें उत्तर नहीं आते थे तब भी वे उत्तर लिखते थे। सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नहीं जानने के बाद भी इस्तेमाल किया जाए तो वही भुगतना पड़ता है जो हाथ लगा उस्तरा इस्तेमाल करना नहीं जानने के बावजूद इस्तेमाल कर बैठने वाले बंदर ने भुगता था। सारांश यह है कि जिसे झूठ ही बोलना आता है वह झूठ ही बोलता है, जिसे काम की बात करनी नहीं आती है वह कहां काम की बात करता है।